दुकान की शुरुआत होती है सतोमफियों से, जो कर रहा होता है, मैं बार बार एक ही सपना देखता रहता हूँ। वो सपने के बारे में सोचते हुए जा रहा है। वह रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। उसके सपने में कोई लड़का खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है। उस लड़के को देखने के बाद उसके हाथों से गिटार की तार टूट जाती है और फिर वो आसपास सबको देखकर कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें सेकेंड मेन लीड को दिखाया जाता है, उसका नाम है ओनोयामा रितुस्का। वो हमें बेंच पे सोते हुए दिखाई जाता है। फिर उसका दोस्त उसे जगाता है और उसे खाना खाने के लिए चलने को कहता है, पर ओनोयामा मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अभी सोना है, और वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते सीढ़ियों के पास पहुँचता है, तब उसे एक लड़का सोए हुए दिखाई देता है। वो लड़का है सतो, जो सीढ़ियों पर सो रहा होता है। सतो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने कोई खड़ा है। ये देखकर वो उठकर उसे जाने की जगह देता है, पर ओनोयामा सतो के पास जाके बैठ जाता है। फिर सतो उसे देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तो ओनोयामा जवाब देते कहते हैं कि मेरा नाम ओनोयामा है। उसके बाद सतो एकदम ही चुप हो जाता है। ये देख ओनोयामा इरिटेट होकर सतो से कहता है कि तू चुप मत रहो, कुछ तो कहो। फिर ओनोयामा सतो से कहता है कि तुम्हारी गिटार स्ट्रिंग में जंग लग गई है, इस कारण उनमें से एक टूट गई है। ये सुनकर सतो ओनोयामा से पूछता है, क्या ये तुम ठीक कर सकते हो? ओनोयामा कहता है, हाँ क्यों नहीं। सतो उससे फिर से पूछता है कि ये तुम ठीक कर सकते हो? उसके बाद ओनोयामा गिटार ठीक करके देता है। फिर सतो गिटार ठीक होने पर वो खुश हो जाता है, पर ओनोयामा गुस्से से सतो से कहता है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस स्ट्रिंग को ठीक करने के बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद ओनोयामा गिटार बजाता है। ये देख सतो चौंक जाता है कि इसे गिटार बजाना आता है। फिर वो ओनोयामा से पूछता है, क्या तुम मुझे गिटार बजाना सिखा सकते हो? तब ओनोयामा फ्लैशबैक में जाकर ये सोच रहा होता है और यह कहता है कि ये सब शुरुआत मेरे गिटार बजाने से हुआ। मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी उंगलियों से उसके दिल की धड़कन पर जोर से वार कर रहा हूँ। अगले दिन ओनोयामा अपने घर में सो रहा होता है, तब उसकी बहन यानोई आकर उसे जगाती है और कहती है कि आज तुम्हें गिटार प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना। तब ओनोयामा कहता है कि तुम्हें क्या, तुम अपने रिलेशनशिप इशू को मेरे बैंड में मत लाओ, इसके अलावा काजिसान ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है। यहाँ पर जो काजिसान है वो ओनोयामा का बैंड मेंबर है, उसके बारे में आगे पता चलेगा। तो यानोई कहती है उसने मुझे नहीं छोड़ा और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओनोयामा हमें स्कूल जाते हुए दिखाई जाता है। वो सोचता है कि मैंने सिक्स ग्रेड में गिटार बजाना शुरू किया जब मेरे डैड ने मुझे गिटार दिया, क्योंकि वो अब उस गिटार का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आगे ओनोयामा कहता है कि उसने कभी भी अपनी जीभ को वैसे नहीं संभाला जैसे वो चाहता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओनोयामा को बचपन से ही म्यूजिक सुनना पसंद आने लगा था। फिर ओनोयामा क्लासरूम में सतो की बात को याद करके सोच रहा था कि पहली बार मेरा गिटार स्ट्रिंग टूटने पर लगभग उसने भी रो दिया था। अगले दिन जैसे सतो और ओनोयामा वहीं सरियों के पास मिलते हैं, तब सतो ओनोयामा से उसका गिटार ठीक करने के लिए उसे थैंक यू कहता है। उसकी मदद करने के लिए सतो ओनोयामा को पैसे और खाना देने की सोचता है, पर ओनोयामा मना कर देता है। तब सतो ओनोयामा से गिटार सिखाने को कहता है, पर ओनोयामा मना करके उसे लाइट म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने को कहता है। बाद में दिखाया जाता है कि जब ओनोयामा अपनी स्टूडियो जाता है तब सतो उसके पीछे पीछे जाता होता है। ओनोयामा उसे पीछे आने से मना करता है और कहता है किसी और को कहो तुम्हें गिटार सिखाने के लिए। बाद में ओनोयामा सतो को अपने साथ ले जाता है। ओनोयामा के म्यूजिक बैंड मेंबर्स सतो को उसके साथ देखकर चौंक जाते हैं। तब काजिसान को ओनोयामा कहता है कि मैं इनसे छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं सकता। काजिसान कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो?
अब उनोयामा सतोशि काजी-सान के बारे में बताते हुए कहता है कि वो वास्तव में डरावना दिखता है लेकिन वह अच्छा लड़का है। फिर हमें दूसरे बैंड मेंबर नाकायामा हारिकू को दिखाया जाता है। तब हारिकू काजी-सान से सतो के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उनोयामा के साथ आया है। उसके बाद सतो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं यहाँ आप सबका म्यूजिक सुनने के लिए आया हूँ। तब वो सब उसे गाना बजाकर सुनाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनोयामा सतो को उसके घर छोड़ने जाता है। तब सतो फिर से स्टूडियो आने के लिए पूछता है पर वो मना कर देता है। फिर से सतो उसे गिटार सिखाने को कहता है पर उनोयामा गुस्से से कहता है क्या तुम ये कहना बंद करोगे, मैंने कभी किसी को नहीं सीखा है, मुझे पता भी नहीं कैसे सिखाया जाता है। उनोयामा फिर से सतो को नाइट म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने को कहता है। अगले दिन उनोयामा बास्केटबॉल खेल रहा होता है तब सतो के बारे में सोचते हुए कहता है क्या मुझे सीडीओ के पास जाना चाहिए, मुझे पता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे पता है कि वो मुझे फिर से पूछेगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊँगा। उनोयामा को गिल्टी फील हो रहा है। फिर वहाँ जाके देखता है तो सतो वहाँ नहीं होता। वो वहाँ दो चार दिन जाकर सतो का इंतज़ार करता है और सतो वहाँ नहीं आता। बाद में उनोयामा काजी-सान को सतो के बारे में बताता है। तब काजी-सान कहता है कि वो तुम्हारे लिए मोटिवेशन है, मतलब कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब तुम ज़्यादा ही जोश में गिटार बजा रहे थे। उसके बाद वो दोनों स्टूडियो जाते हैं और सतो को वहाँ देखते हैं। उसे देख उनोयामा चौंक जाता है। उसका दोस्त हारिकू कहता है कि जब मैं स्टूडियो आया तब सतो बाहर बैठा था तो मैंने उसे अंदर बुला लिया। सतो को देख उनोयामा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसे गुस्से में देख काजी-सान उसे शांत होने को कहता है। सतो कहता है मैं स्ट्रिंग अपने आप ही चेंज करना सीख गया और वो गिटार बजाकर सुनाता है। उसकी उंगलियों को देख के उनोयामा पूछता है तुम लाइट म्यूजिक क्लब में सीखने गए थे। तो सतो कहता है हाँ मैं गया था वहाँ और वहाँ सब बहुत ही अच्छे लोग थे, मज़ा भी आया पर तुम उनसे अलग हो। ये सुन के उनोयामा और उसके दोस्त चौंक जाते हैं। फिर सतो कहता है क्या तुम मुझे और ज़्यादा गिटार के बारे में सिखा सकते हो। और वहाँ पर ही एपिसोड ख़त्म होता है।